आप लोग सुन पा रहे हो, कंफर्म करना। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग पंकज। विद्युत प्रवाह कहाँ पे बेटा? आप कहाँ से हो बेटा? विद्युत प्रवाह आप कहाँ से हो यार? ऑडिबल? सब कुछ ऑडिबल है ना? गुड इवनिंग विपिन। सभी लोग आ चुके हैं क्या? कि और किसी को आना बाकी है? गुड इवनिंग नितेश। आप लोग की बोल रहा था मैं कि आप लोगों के पास वहां पे एक विंडो आ रहा होगा है ना, टेस्टिमोनियल करके। आपने उसको फिल किया कि नहीं किया यार आप लोगों ने? आप लोगों ने उस जो स्टूडेंट टेस्टिमोनियल करके एक विंडो आ रहा होगा आपके ऐप पे, अभी नहीं मत देखना, क्लास के बाद चेक करना ठीक है ना। उसको फिल कर देना है ना, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हम लोग के लिए। आप उसको फिल करना ठीक है। सभी लोग, आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं ठीक है। और अच्छी बात है कि आप सभी लोग लाइव, मतलब लाइव देख रहे हो ना, क्योंकि रिकॉर्डेड में उतना अच्छा फील नहीं आता, फील आपका लाइव पे ही आता है ठीक है। अपन लाइव क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है। स्टार्ट करते अपना सेशन। तो अपन ने लास्ट क्लास में कुछ चीजें डिस्कस की थी ठीक है ना। अपन ने लास्ट क्लास में कुछ जो प्रीरिक्विजिट थे वो अपन ने देखा था कि हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बोलो सर, ये तो चीज जो आपने बताई है तो हमने डिस्टल पहले पढ़ चुका है, यहाँ पे क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा उसके बिना प्रोग्रामिंग इम्पॉसिबल है। क्या बोला मैं, फिर सुनना। प्रोग्रामिंग इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये प्रीरिक्विजिट नहीं पता तो वो प्रोग्रामिंग आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भले आपने डिस्टल पढ़ा है, एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ ठीक है। तो अपन ने वहां पे ये चीज तो देख ली थी ठीक है। अच्छा एक चीज बताना मुझे, अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है बाइनरी में, तो वो तो आपको आता है, आपको बाइनरी एडिशन भी आता है, बाइनरी सबट्रैक्शन भी आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा मैक्सिमम टाइम वो बाइनरी ना होके हेक्साडेसिमल होगा। क्या बोला मैंने? आपके माइक्रो प्रोसेसर पे जो रिप्रेजेंटेशन लोग यूज करेंगे है ना, वो बाइनरी ना करके हेक्साडेसिमल करेंगे। उसके पीछे रीजन है, बाइनरी अगर यूज किया तो नंबर ऑफ बिट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर हेक्साडेसिमल करेंगे तो आपका 16 अगर है तो आप उसको 4 में 4 नंबर लिख सकते हो। जैसे आप लिखा यहाँ पे क्या 0001, ये आपका लिखा 1, आप इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल। अगर आप लिखा है 1100, ये आप होता है 12, आप इसको डायरेक्ट सी लिख सकते हो ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, मतलब एक ही वर्ड से आप इसको लिख सकते हो, तो जो आपको डेटा का स्टोरेज होगा वो कम लगेगा ठीक है। चलिए तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे हेक्साडेसिमल के बारे में देखते हैं कि हम कैसे इसको यहाँ पे डील करेंगे ठीक है। आपको पता होगा हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, सभी को पता है ये चीज। आज जो अपनी जो क्लास होगी वहां पे अपन हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी और बहुत ही बेसिक क्लास होगी। जैसे अगर बात करूं मैं हेक्साडेसिमल के लिए, तो क्या बोलोगे? ऐसा नंबर जहां पे हम किसका नंबर यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज करते हैं। कहां से? 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज करते हैं ठीक है। लेकिन उसके बाद हम 10 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? बी लिखते हैं। ये हमारा 11 हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया और एफ हो गया। तो एक बात बनती है कि सर आपने यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा, इसको ए लिखने क्यों पड़ गई? अगर आप इसको 10 लिख देते तो क्या दिक्कत होता? 10 लिख देते ना सिंपल यार है ना, इक्वलेंट तो 10 के बराबर ही होता ना ये, तो 10 लिखने में क्या दिक्कत थी? अगर आप इसको 10 लिखते बेटा तो जो 10 है वो एक्चुअली में क्या हो जाता, इन इसके जो स्टार्टिंग में 0 बनाया होगा ना उसका कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? इसका कॉम्बिनेशन होता। याद रखना आपका ये एक नंबर बन जाता जो कि एक डिजिट है। ए यहाँ पे डिजिट है, 9 एक डिजिट है, लेकिन 10 एक नंबर है। 10 आपका क्या एक नंबर है, एक डिजिट है। 9 एक डिजिट है, 0 डिजिट है। तो ये आपकी हेक्साडेसिमल की डिजिट है, लेकिन 10 आपका यहाँ पे एक नंबर है। तो आप एक नंबर को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते ठीक है ना। नंबर अलग होता है और डिजिट अलग होती है ना। नंबर क्या होता है? नंबर आपका हेक्साडेसिमल डिजिट से बनता है, कोई भी नंबर डिजिट से बनता है। लेकिन यहां पे इसको क्या बताना आपको? आपको बताना है ए को डिजिट बनाना, ना कि नंबर। तो हम यहाँ पे इसको 10 नहीं लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं ठीक है। ए ही को लेकर एक्स क्यों लिख दिया भाई? उस टाइम पे जो डिफाइन किया वो अपन ने यहाँ पे कर दिया ठीक है ना। आपने इसको एक्स क्यों नहीं किया, वो अपन एक्स भी वहां पे कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन पहले उन्होंने ए कर दिया तो अपन ए को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं ठीक है ना। ये आपका 10 यहाँ पे क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या था? 10 आपके पास यहाँ पे क्या था? नंबर। और ए आपके पास यहाँ पे क्या? एक डिजिट है। ए आपके पास यहाँ पे क्या? डिजिट है।
तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस रखने के लिए अपन ने क्या किया यहां पे, इसको ए से डिफाइन किया, ठीक है, आप यहां पे कर दीजिए दिस ए, दिस ए इज योर डिजिट एंड दिस 10 इज योर नंबर, इसलिए हम यहां पे ए को डिजिट मान के चल रहे हैं और 10 को आप यूज नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो आपको दो नंबर को ऐड करना, दोनों हेक्साडेसिमल, एक चीज और है ना, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, आपस में एक नंबर दिया था, क्या 1B2C, ये एक नंबर दिया, फिर आपने क्या किया, 16, ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है। शॉर्ट फॉर्म में आप माइक्रो पोजिशन में क्या लिखोगे इसको, आप यहाँ पे बेस 16 ऐसे नहीं लिखोगे, आप बेस 16 ऐसे नहीं लिखोगे, आपके लिखने का जो तरीका होगा बेटा वो ये होगा, समझना, आपके लिखने का जो तरीका होगा वो जाए क्या 1B2CH, यहाँ पे H आपके बराबर लिखा होगा। तो ये मत सोचना भाई कि H की कोडिंग क्या होगी, जैसे C का आपका 12 होता है, B 11 होता है, A 10 होता है, वैसे मत सोचना कि H की कोडिंग क्या होगी, सर ये बता दो, ठीक है, सभी को क्लियर है चीज, है ना। तो याद रखना जो हम यहाँ पे H लिख रहे हैं उसकी कोडिंग मत करना, ये कि H क्या बताएगा आपके पास हमेशा, ये बताएगा कि जो नंबर आपके पास दिया हुआ वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। अब मैं अगर बात करूं यहां पे हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल पर एडिशन कैसे करेंगे वो देख लो आप लोग। अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं उनका एडिशन की बात करूं मैं, ये तो बहुत बार यूज होगा प्रोग्रामिंग में, एक क्वेश्चन में दो बार यूज होगा, समझ जाओ आप लोग, इसमें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो अगर आपका दो नंबर दिए तो एडिशन करना है, तो कैसे करोगे देखना आप लोग। जैसे मैं नंबर लेता हूं पास एग्जांपल के तौर पे, एक नंबर है मेरे पास यहाँ पे 73, ठीक है, और दूसरा नंबर पास यहाँ पे 2F, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करो, ये बोला गया है, क्या बोला गया इन दोनों को ऐड करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा ध्यान समझना, आपको थोड़ा सा इसको एडिशन करने के पहले एक छोटा सा रूल मैं आपको बता देता हूं। बाइनरी में क्या करते हो, बाइनरी में क्या करते बताता हूं, बाइनरी में आपका करते 8 नंबर है ना, देखिए सॉरी अपन डेसिमल, जो आप लोग डेसिमल तो पढ़ते हो ना बचपन से लेके 10th 11th तक जो आपने पढ़ा हो, क्या पढ़ा, डेसिमल तो पढ़ा आपने, तो आपको 8 और 4 को ऐड करने के लिए बोला जाता है, कि 8 और 5 को ऐड करने के लिए बोला, तो क्या करते हैं यहाँ पे 8 5 13, 8 + 13 होता है, तो आप क्या करते हो उसको 10 से माइनस करते हो, जो भी यहाँ पे आया 13 आया ना समेशन, जब 10 से ज्यादा होकर क्या करते हो 13 - 10 करते हो, तो कितना आया 3, तो 3 यहाँ पे रखा, फिर 1 को आपने यहाँ पे ले आया, फोन यहाँ पे, आप यही प्रोसेस लगाते थे कहाँ पे, आप ये प्रोसेस लगाते हो किसमें, डेसिमल पे, सॉरी डेसिमल पे लगाते हो ना, तो अब यही चीज आपको अगर हेक्साडेसिमल में करनी है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे देखना F का मतलब होता है 15, F का मतलब होता है 15 और 3 का मतलब होता है कि आप पास यहाँ पे 3, 15 प्लस 3 कितना होगा 18 होगा, जो कि 16 से ज्यादा है, जो कि 16 से ज्यादा है, F का मतलब क्या होता है 15, 3 का मतलब क्या होता है 3, तो 15 प्लस 3 कितना होगा 18 होगा, और आपको पता है यहाँ पे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कोई भी नंबर 16 के ऊपर नहीं हो सकता, जैसे कि डेसिमल में कोई भी नंबर 9 के ऊपर नहीं होगा, वैसे ही हेक्साडेसिमल कोई भी नंबर 15 के ऊपर नहीं होगा, मतलब 16 बेस होता टोटल आप पास यहाँ पे, तो क्या करोगे आप यहाँ पे जो 18 आएगा उसको किससे माइनस कर दोगे, आप उसको 16 से माइनस करोगे, तो कितना जाएगा पास यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे कितना 18 - 16 कितना आप पास यहाँ पे, ये 18 कैसे आया सर, 18 बताओ तो फिर से कैसे आया, F का कोडिंग होता है यहाँ पे क्या 15, सबको पता है, और ये आपके पास है 3, तो 15 प्लस 3 क्या बना आपके पास यहाँ पे 18 बना, जिसको आपने 16 से माइनस किया तो कितना है 2, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, अब यहाँ पे क्या 7 + 2 9 9 8 10, 10 को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, दिस विल बी योर आंसर, क्या ये बात सबको क्लियर हुई, कैसे आपको हेक्साडेसिमल में एडिशन करना है, क्या ये बात सबको क्लियर होती है, कंफर्म करें सभी लोग ये बात, क्या सभी को चीज क्लियर होती है, ठीक है विपिन कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका नेट स्लो चल रहा हो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना, मैंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दी तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ प्रदीप, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, पहला ही पेज है, जस्ट अभी अपना पहला पेज है, ठीक है, ओके। तो क्या सभी को ये हेक्साडेसिमल का जो एडिशन वो क्लियर हुआ क्या, आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स जरूर देना है ना, चलो अगर ऐसी बात एक क्वेश्चन में और देता हूं आपको, उसको करके बताना क्या आंसर होगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन में और देता हूं, आप लोग उसको करके बताना क्या आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन और ले लो आप लोग यहां पर, अगर ये चीज क्लियर है तो। आपको यहां पे एक नंबर दिया गया है, दैट इज 7E, कौन सा नंबर 7E, और यहां पे बोला आपके पास क्या 72, 7E है पास यहां पे दिया 72। अब आप इसको ऐड करके बताओ, अब आपको बोला गया कि इसको एडिशन करके बताओ कितना होगा, आपको बोला गया इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताएंगे इसको ऐड करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 7E plus 72, ई प्लस टू कितना हो जाएगा, ई का मतलब होता है आई थिंक क्या 14, ठीक है 14 plus 2 16, फिर क्या करोगे जब 8 plus 2 करते थे आप डेसिमल पे, जब 8 plus 2 का 10 आता है तो क्या कहते हैं आपको 10 से 10 माइनस करो 0 आता है, 0 को 1 ऊपर ले जाते थे, ऐसे ही करते थे ना, तो यहां पे क्या पास e की वैल्यू कितना है 14 और 2 यहां पे क्या 2 है, तो 16, 14 प्लस 2 कितना 16 हो जाएगा, जब ये इतना कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा सभी को, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं फिर से एक बार, क्या करना होगा e का मतलब होता है आपके पास यहां पे क्या 14, 14 प्लस 2 कितना 16 हो जाएगा, आप क्या करोगे यहां पे 16 को माइनस करोगे 16 से तो आएगा आपके पास यहां कितना 0, तो 0 आ गया, तो जो 1 बचा, जो 1 बचा कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा, जो 1 यहां पे आ गया, अब कितना हो जाएगा 7 plus 7 14 plus 1 15, 15 किसको बताते हो आप यहां पे एफ से बताते हो, यहां पे होता है क्या एफ, क्या होता है एफ, आपका आंसर हो जाएगा यहां पे क्या एफ 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एफ 0 हो जाएगा, आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई होगी सभी को, एफ 0 नहीं बेटा नितेश आपने ई 0 गड़बड़ कर दिया बेटा, एफ 0 होगा, ठीक है ना बेटा, हाँ ओके ओके आपने बाद में सही भी कर लिया एफ 0 ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, है ना, ये चीज मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज आपका बेस है, इसके बिना तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, अपन को अच्छे से करना है, भले थोड़ा टाइम लगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना अपन को डेट ऐसा ही पढ़ना है कि सर एक बार आपने पढ़ा दिया उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन यहां पे, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके पास, यहां पे ना क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया गया है, एड 3 2 B 1 H, यहां पे H मत समझ गया ना, H मतलब क्या है भाई, इसको कोड मत कर ले जाना आप लोग, है ना, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, और आपके पास यहां पे दिया गया क्या 5 2 1 F, आपको इन दोनों को ऐड करके बताना कि आपका आंसर क्या होगा, आपको इन दोनों को ऐड करके बताना कि आपका यहां पे आंसर क्या होगा, यहां पे क्या लिखा है H लिखा है, अगर मतलब कि आपका हेक्साडेसिमल है, तो इसको बताओ क्या आंसर होगा, ये जो ऑपरेशन आपको बार बार करना होगा हर एक प्रोग्राम में, आपको ये तो याद रखना भाई कि A का मतलब 10 होता है, B का 11 होता है, C 12 होता है, D 13 होता है, E 14 होता है और F आपका 15 होता है, ये तो आपको बार बार याद रखना होगा, किसी का आंसर आया आपके में नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई प्रदीप यार, बाकी लोग के पास नोटिफिकेशन तो आया था ना यार, ओके सभी लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिए, फिर बाकी सभी तो टाइम पे ज्वाइन किए हैं तो बाकी लोग के पास नोटिफिकेशन आया होगा मे बी, है ना, आपका देखना एक बार क्या दिक्कत हो गई यार। चलो हाँ देखा अपन सॉल्व करते हैं, सुमित का आंसर यहां पर आया क्या 84D0, लेट मी चेक कि आपका आंसर इतना कुछ होगा कि नहीं होगा, ये नितेश का आंसर कुछ अलग आया है 8530, मुझे गड़बड़ लग रहा है बेटा विद्युत, बेटा आपका भी आंसर अलग आया है,
ऐसा अलग क्यों कर रहे हो और आप सभी लोग यार, तीनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आया है ना, इसके बिना तो काम नहीं हो पाएगा भाई, है ना। मैं ये सोचता था कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इसके मैं दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि इसके बिना काम तो नहीं होने वाला ना, फिर आपको परफेक्ट बनना होगा जब तक आपको सही ना कर दो। देखो एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है यहाँ पे क्या, 15 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब ये 16 हो जाएगा तो 16 से माइनस करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, 0 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है 11, बी का मतलब होता है 11, यहाँ पे 12 हो गया और 13 हो गया। 13 को क्या बताओगे, डी बताओगे ना, 13 क्या बनाओगे आप बताओ, डी बनाओगे, 13 को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 84D0, ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा क्या, 84D0, 84D0। सुमित ने सही आंसर किया था, बाकी ने गलत किया था। क्या ये नितेश को और विद्युत प्रभा को दोनों को क्लियर हो गया ये चीज बेटा, आप दोनों को क्लियर है चीज, पंकज आपको भी क्लियर है। एक बार और देखो अपन क्या करना है सुमित, यहाँ प्रदीप अपन क्या कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन, सॉरी हेक्साडेसिमल एडिशन कर रहे हैं। जैसे क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे एफ है, एफ का कोडिंग यहाँ पे क्या होता है, एफ का कोडिंग होता है 15 और यहाँ पे 1 है, तो 15 प्लस 1 कितना हो, 16 हो गया। जब 16 हो जाएगा, जब 16 से नंबर ज्यादा जाए, 16 हो जाए, तो आप उसी नंबर को डिवाइड करो, माइनस करो, तो 16 का बेस है, तो 16 माइनस 16 कितना, 0 है, 0 आ गया यहाँ पे, और जो 1 होगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे आएगा, फिर कॉपी यहाँ पे लेके सॉल्व कर दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है ना। नितेश, विद्युत प्रभा, प्रदीप और सुमित, चारों लोग बिल्कुल टाइम देकर सॉल्व करना, जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी नहीं है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, आप सभी लोग सही करके आंसर देना। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं आपको आगे बढ़ जाऊं आपको पीछे छोड़ के, थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है बट इतना भी डिफरेंट नहीं है कि आप उससे बनेगा नहीं। क्वेश्चन बोला आपको ऐड करना है, किनको ऐड करना, दो नंबर आपको दिए गए हैं, मैं नंबर देता हूं आपके पास यहां पे, देखना पहला नंबर आपके पास यहां पे क्या, एफ 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 ई, ये नंबर है, और इसको आपको ऐड करना किससे, 12 से, 12 मतलब नहीं यहां पे 1 2 लिखा होगा ना, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, ये 12 नहीं है, 1 2 नंबर लिखा है, ओके, और आपको इसको 1 से ऐड करना है। आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर यहां पे क्या होगा, आपको इन दोनों को यहां पे ऐड करना है। आप सभी लोग इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा, है ना, टाइम ले लेना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, लेकिन मुझे आंसर सही चाहिए। वीडियो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना पूरा, कि कोई दिक्कत आती है, बफरिंग होती है या फिर ब्लर आता है, ऐसा कुछ होता है क्या बीच बीच में? आप लोग का जो लेक्चर चलता है वो प्रॉपर उसी फ्लो में चलता है ना, ऐसा तो नहीं बीच में ब्लर हो गया या कुछ और दिक्कत या फिर क्लियर नहीं दिखता, ऐसा तो नहीं होता क्वेश्चन आपका? सुमित का आंसर आया 1000। मैं बाकी लोग को भी चेक कर लेता हूं, बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करें, फिर मैं सही आंसर, सही गलत आंसर बताऊंगा। चलो दोनों का सही आंसर आ गया, मतलब तीनों का सेम आंसर आया है, चारों का सही आंसर है। चलो सुमित का, विद्युत का, पंकज का, नितेश का, सभी का सेम आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ना, घबराने की बात नहीं। देखो ई का कोड होता है 14, 14 में 2 ऐड किया बेटा तो क्या हो जाएगा आपका, 16, 16 को 16 से माइनस कितना आएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा 1, अब ये यहाँ पर कितना है, दिस इज योर 14 प्लस 1 15 और 1 16 हो गया, अगेन 16 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये होता है 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16, अगेन 0 आ जाएगा यहाँ पे,
फिर ये वाला वन यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो, फिर अगेन कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर आपका वन यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ये होगा, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ आंसर होगा। आई थिंक आप लोग परफेक्ट हो चुके हो हेक्साडेसिमल एडिशन में, क्या मैं मान सकता हूं, क्या आप लोग प्रो बन चुके हो हेक्साडेसिमल एडिशन में? कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा, ये मैं मान सकता हूं क्या, हेक्साडेसिमल एडिशन में आप लोग प्रो बन गए होंगे, इतना ही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो अब देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बाइनरी में पढ़ा था, बाइनरी एडिशन पढ़ा, फिर आपने बाइनरी सबट्रैक्शन भी पढ़ा था वहां पे, है ना। वैसे अगर मान लो आपको यहां पे हेक्साडेसिमल में क्या निकालना पड़े, कॉम्प्लीमेंट, तो आप बाइनरी में क्या निकालते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ना। बाइनरी में कैसे करते थे, यही करते थे ना, बाइनरी में अगर आपको नंबर को निगेटिव शो करना तो क्या करते थे, आपको आप इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, है ना। वैसे अगर आपको हेक्साडेसिमल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर आपको हेक्साडेसिमल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या निकालते थे, बाइनरी का टूज कॉम्प्लीमेंट था, वैसे ही हेक्साडेसिमल का 16th कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो आप इसमें क्या निकालता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। वैसे हेक्साडेसिमल में पास यहाँ पे आपका होता है 16th कॉम्प्लीमेंट, तो अपन देखते हैं कि आपका 16th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। अपन देखते हैं क्या 16th कॉम्प्लीमेंट, आप सोच रहे हो सर आपने ये डिजिटल क्यों नहीं कहा, क्योंकि डिजिटल पार्ट नहीं बैठा है ना, 16th मतलब हेक्साडेसिमल ज्यादा डील करना कहा था, माइक्रो का पार्ट होता है, तो इससे आपके डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, कैसे निकालेंगे सबको ध्यान से, अपन एक हेक्साडेसिमल नंबर का 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, क्या नंबर देखना आपको सभी लोग, मेरे पास एक नंबर है यहां पे, नंबर है मेरे पास यहां पे 38H, क्या आपका नंबर यहां पे 38H, ठीक है, और आपको बोला गया है कि आप इसका क्या निकालें, आपको बोला जा रहा है कि आप इसका निकालो यहां पे, आप इसका निकालो यहां पे, क्या निकालना है आपको, इसका 38H का आपको निकालना है यहां पे 16th कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना है 16th कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालना है बिल्कुल घबराना नहीं, मैं साइड टेक्निक बताता हूं। आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने के, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप 38 लिखो, आपने सबसे पहले यहां पे 38 लिखा, आपने यहां पे सबसे पहले क्या लिखा 38, ये लिखा 38, थोड़ा ऊपर स्पेस बगैर बचा कर रखना आप यहां पे, तो दो दो लिखता हूं मैं ऐसा, आपने 38 लिखा, दो दो लिखना है पे, क्योंकि ऐसा कुछ अभी अपन ऑपरेशन करेंगे। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे H हेक्साडेसिमल में H लिखते हैं, आपको क्या करना होगा, जो पहला नंबर ये आपका कहलाता है MSB, दिस इज योर MSB, तो सबको पता होगा ना, ये आपका क्या कहलाता है आपका, दिस इज योर MSB, दिस इज योर LSB, ये तो सबको बच्चे बच्चे को पता है यार ये चीज, तो सर ये मेरा कहलाता है क्या MSB, ये क्या हमारा कहलाता है LSB, लिख देता हूं मैं, ये आपका जो ये वाला कहलाता है क्या LSB कहलाता है, डिस्टेंस बताया था मैंने, यह पकड़ाता है MSB। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो LSB वाला नंबर है, आपका जो LSB वाला नंबर है उसको माइनस करना होगा, क्या करना होगा उसको माइनस करना होगा, किससे 16 से, क्या करना होगा उसको आपको 16 से माइनस करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा आपको इसको 16 से माइनस करना होगा, और जो बचे हुए नंबर जो भी यहां पे 83 बच रहा है उसको आपको F से माइनस करना होगा, 15 से माइनस करना होगा, LSB को किससे करना है 16 से, और बाकी जो नंबर होंगे या तो 3 बस हैं, LSB को छोड़ के जितने भी बाकी नंबर होंगे उन सभी को आपको 15 से माइनस करना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा देखना है सभी लोग, अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या यहां पे बताता हूं, अल्टीमेटली आपको यहां पे मिलेगा क्या देखना है, 16 को 8 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8 ही आएगा, है ना, एफ मत होता 15, एफ का मत होता है क्या 15, सबको पता है बच्चे बच्चों को पता है, इसका मत होता 15, तो 15 को 3 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा पास यहां पे 12, और 12 किसका कूड होता है यार बताओ जरा,
12 किसका कोड होता है पास यहाँ पे सी का कोड होता है, किसका कोड होता है सी का, कहाँ पे जाएगा सी, तो ये होगा पास यहाँ पे सी एट, तो आपका जो होगा 38H का 16th कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या आएगा सी एट एच होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, बहुत आराम से बताया मैंने किसी का लैग हो रहा है क्या, मेरा तो मेरा हो रहा है, बाकी लोग भी बताएं जरा किसी और का लैगिंग की दिक्कत आ रही है क्या, पंकज का दिक्कत नहीं आ रहा है ना, आप लोग का नेट थोड़ा दिक्कत होगा बेटा, स्पीड दिक्कत आप लोग को होगी, सुमित को दिक्कत नहीं गई, पंकज को दिक्कत नहीं गई, विद्युत प्रभाव को दिक्कत नहीं गई ना, चार लोग हैं जिनको दिक्कत अभी नहीं गई है। चलो ओके, खुद तो आपका नेट का थोड़ा इशू होगा बेटा, उसको थोड़ा देखना जरूरत हो जाएगा सही है ना, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई कि आपको कैसे आपको 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक क्वेश्चन और लूं क्या मैं, उसका आंसर आप लोग बताओगे, अगर मैं आपको एक नंबर और दूं और उसमें 16th कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे, चलो लिख लो आपको एक नंबर और, आप लोग एक नंबर और लिख लो, आप लोग उसका निकाल के बताओ मुझे यहां पे क्या 16th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आप लोग नंबर और लिख लो, आपके पास यहां पे क्या 78H, क्या दिया पास यहां पे 78H, ठीक है, आपको इसका निकालना है यहां पे क्या 16th कॉम्प्लीमेंट, सभी लोग निकाल के बताओ आंसर क्या होगा, सभी लोग निकाल के बताएं यार कि इसका आंसर क्या होगा 78H का आपका 16th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सभी लोग बताएं 78H का, है ना, मैं वेट कर रहा हूं सभी लोग के आंसर का, फोर डिजिट रहा तो इसके बाद तो फोर डिजिट कर लेंगे, ठीक है ना, आपको सिर्फ LSB को किससे माइनस करना है, आपको सिर्फ LSB को 16 से माइनस करना है, बाकी सभी नंबर किससे करना है आपको वहां पे 15 से करना है, मैं फोर डिजिट का भी क्वेश्चन ले लूंगा, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो पहले, 88H आपका आंसर आ रहा है, 88H आ रहा है, चलो ठीक मैं देख लेता हूं यहां पे, है ना, देखना सभी लोग क्या करोगे आप यहाँ पे, ये आपका 7 लिखा आपने यहाँ पे, ये आप लिखा आपने 8, ठीक, इसको किससे माइनस करना है, इसको करना है आपको किससे, F से माइनस करना है, इसको आपको करना है किससे 15 से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको करना है किससे 16 से माइनस करना है इसको, इसको करना है आपको F से, कर दो भाई, जब करोगे तो कितना आंसर आगे देखना आप लोग, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 16 - 8 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, एफ मतलब होता है 15, 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ले लो, कौन सा थोड़ा लंबा क्वेश्चन ले लो, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन आप पास यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया गया देखना, आपको बोला गया है 1 3 B 1 A 6 ये नंबर दिया है, देख लो करने वाले अच्छे से, लोग यहाँ पे यहाँ पे लिखा है H, आप लोग इसका निकाल के बताओ कॉम्प्लीमेंट 16th कॉम्प्लीमेंट, आप सभी लोग मुझे इसका 16th कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ क्या हो, सभी लोग थोड़ा सा करेक्ट आंसर करना यार, क्योंकि अगर आप ये बता पाओगे तो मैं इसके आगे की कहानी बताऊंगा, ये समझ जाओ कि आपको माइक्रो को पढ़ने के लिए जो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो आपकी आज की क्लास में हो जाएंगी पूरा का पूरा, कॉम्प्लीमेंट हेक्साडेसिमल सब पता चल जाएगा, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उससे तो हम पूरा बिल्कुल माइक्रो बस से भी रहेंगे, अपन ना डिजिटल में आएंगे ना कहीं पे आएंगे, ये चीजें मैं आपको पहले क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन में 5-5 बार बार होंगी, है ना, तो डायरेक्टली वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो पहले ही बता देता हूँ। चलिए बताइए किसी का आंसर आए तो, तब तक मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, देखना आपको ये आपके पास यहाँ पे क्या नंबर, आपका जो नंबर दिया है 1 3 B 1 A 6 इसमें जो LSB वाला नंबर उसको किससे माइनस करोगे आप 16 से, और बाकी सभी नंबर किसे करना आपको यहाँ पे F से माइनस करना, बाकी सभी नंबर किसे करना आपको F से करना,
ठीक है, तो आपके पास यहां पर 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 मतलब क्या होगा आपके पास यहां पे ए। पहले आप तो आंसर तो बताओ, फिर चेक करता हूं आप लोग का आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है। EC4E5A, अरे बाप रे, सभी का आंसर आ गया यार, सुमित का भी आंसर आ गया, पंकज का भी आ गया, नितेश का भी आ गया और विद्युत कपड़ा का भी आ गया, बहुत बढ़िया और करेक्ट आंसर भी है, EC4E5A होगा आपका जो आंसर हो क्या होगा EC4E5A। मैं गलत थी, EC45 क्या पास यहां पे था EC4E5 होगा, कहां गया, कहां गया रे, कहां गया 4E5A, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, कहां गया रे 4E5A। आपको विजिबल तो है कि नहीं पहले मुझे ये बताओ, हाँ विजिबल तो है। चलो आई थिंक आपको यहाँ पे 16 कॉम्प्लीमेंट भी क्लियर हो गया होगा सभी को, क्यों, मैं ये मान सकता हूं अब कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमको 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर मान लो बाइनरी नंबर को आपको एड करना पड़ता, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, बाइनरी में अगर कोई नंबर को सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करते थे आप, यहाँ पे आपको डिस्टर्ब बताया था मैंने, अगर आपके पास दो नंबर है और आपको उन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, दोनों बाइनरी में है, तो क्या करते थे आपको x माइनस वाई करना है, तो आप क्या करते थे x प्लस माइनस ऑफ y, माइनस ऑफ y मतलब क्या, y का निकलता है आपके 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो बताता हूं आपको देखना है। जैसे आपके पास पूछा जाता अगर कि बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता कि सर बाइनरी पे सब्ट्रैक्शन कैसे होता, तो देखना आप लोग, हमारा बाइनरी पे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है देखना, जैसे आपको परफॉर्म करने के लिए बोला गया था x माइनस वाई, आपको बोला था क्या x माइनस वाई, ये आपको परफॉर्म करना है, तो आप क्या करते थे यहां पे x प्लस माइनस ऑफ वाई ये निकालते थे, आपकी आपका जो कंप्यूटर वो एडिशन जानता, सब्ट्रैक्शन नहीं जानता, तो एडिशन क्या करते, सब्ट्रैक्शन एडिशन फॉर्म लिख रहे हैं, अभी माइनस ऑफ वाई क्या, तो आप क्या बोलते हैं x प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, याद आया आपको, आप कह रहे थे 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y लेते थे, ठीक है, क्योंकि माइनस वाई, देखो y अगर पॉजिटिव नंबर है तो अगर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, माइनस कॉलम y बन जाएगा, है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर y आपको एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो तो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, तो वैसे अगर आपके पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको इसी रूल को फॉलो करना होगा, बस एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि जहां पे 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा वहां क्या लिखोगे आप 16's कॉम्प्लीमेंट, जो यहां पे क्या लिखा है 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पे बेस 2 था बाइनरी में, लेकिन अगर आपको हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करोगे आप, वहां पे आप निकालोगे वाई का 16's कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा देखना, अपन देखते हैं यहां पे क्या आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, आपके पास अगर यहां पे एक नंबर दिया गया W और Z, देखना बताता हूं आपको, अगर आपको बोला गया यहां पे क्या परफॉर्म करने के लिए W माइनस Z परफॉर्म करिए, तो आप क्या करोगे W प्लस माइनस Z निकालोगे, मतलब क्या W प्लस 16's कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z ये निकाल लोगे, मतलब कुल मिला क्या निकाल लोगे आप यहां पे W प्लस जेड बार निकाल लोगे, जेड बार मतलब कहते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालोगे पे जेड कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे। अब इसके बाद जो आप यहाँ पे सम करोगे है ना, डब्ल्यू प्लस जेड बार जो आपने सम किया, उसके बाद कहानी खत्म नहीं होगी, कहानी कहां पे होगी समझना, जब डब्ल्यू प्लस जेड बार आप निकालोगे फिर आपको चेक करना होगा कि इसकी जो कैरी है वो क्या आई है, ध्यान समझना, यहां पे कहानी खत्म नहीं होगी, डब्ल्यू प्लस जेड बार जो आपने यहां पे एडिशन किया, अगर एडिशन करने के बाद एडिशन करने के बाद जो कैरी आती है, कैरी मतलब क्या बताता हूं आपको, मैं ये कैरी थी
इस क्वेश्चन पे जहां पे ना ये वाला क्वेश्चन पे नहीं बता रहा, ये जैसे वन कैरी थी यहाँ पे, हम एमएसबी से जो बाहर आता है, एमएसबी से बाहर आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, कैरी बोलता हूँ, है ना। तो जैसे मेरे पास यहाँ इस क्वेश्चन में कैरी थी, अगर मेरे पास यहाँ पे कैरी दो ही ऑप्शन है तो जीरो आएगी तो वन आएगी, है ना, कैरी के दो ही ऑप्शन है ना। तो अगर आप डब्ल्यू प्लस जेड अगर आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करने के बाद देखो तो आपको करना है क्या, डब्ल्यू माइनस जेड, इसको करने के लिए क्या, डब्ल्यू प्लस माइनस ऑफ जेड, माइनस ऑफ जेड मतलब क्या, 16 कॉम्प्लीमेंट, मतलब डब्ल्यू प्लस जेड बार, मतलब डब्ल्यू में आप जेड बार को ऐड कर दोगे, क्या करोगे, यही करोगे ना, डब्ल्यू में जेड बार को ऐड कर दोगे, जब डब्ल्यू प्लस जेड बार कर दोगे तो इसका एक सम आएगा जो कुछ आंसर आएगा। अब उस आंसर की कैरी पे फोकस करना, उस आंसर की कैरी पे फोकस करना है, कैरी के दो ऑप्शन होंगे, या तो आपका जो कैरी होगा या तो वन होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब वन होगा तो जीरो होगा, जो इसकी कैरी आएगी या तो वन होगी या तो जीरो होगी। जो आपकी कैरी आएगी वो या तो क्या होगी, जीरो होगी या तो क्या होगी, वन। बिल्कुल ध्यान से बनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, कैरी की बात करें तो या तो कैरी या तो जीरो होगी या तो क्या होगी, वन होगी। ठीक है, पहले मान लेते कि मान लो आपकी कैरी क्या गई यहां पे, वन आ गई। ठीक है, मान लिया अपन ने यहाँ पे जो कैरी आई क्या आई, वन आई। ठीक है, अपन ने अज्यूम कर लिया, तो मान लो कैरी यहाँ पे क्या आई, वन आई। कैरी वन का मतलब क्या है भाई, कैरी वन का मतलब ये है, इस वन का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है W माइनस जेड का जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्या बताएगा आपका वो बताएगा कि वो जो नंबर होगा W माइनस जेड का जो रिजल्ट होगा वो एक क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो आपको वन को क्या करना है, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना, जो भी यहाँ पे वन आएगा उसको यहाँ पे करना, आपको डिस्कार्ड कर देना, उसको छोड़ देना, तो जो भी सम आएगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना देखना है ना, आपका मतलब इसका मतलब क्या है, जो सम है जो नंबर है आपका क्या पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे क्या है, नंबर जो आपका आएगा वो क्या है, पॉजिटिव है, नंबर आपका यहां पे पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, यहां पे कैरी को छोड़ दो, भाई कैरी कहीं भी चल जाओ, जो आपका रिजल्ट सम आया वही आपका आंसर होगा, जो आपका सम आया जो आपने परफॉर्म किया वही आपका आंसर होगा, कितना करना है। अगर कैरी बनाए तो कोई टेंशन नहीं, कुल मिला के बात क्या है, अगर कैरी बनाई नो टेंशन, जो आपका सम का आंसर आया वही आपका आंसर होगा, डब्ल्यू प्लस जेड बार का जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, वही आपका सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर कैरी जीरो आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, अगर कैरी जीरो आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कैरी वन आई तो नंबर पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरी को डिस्कार्ड कर दोगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब हटा देंगे, वी विल डिस्कार्ड कैरी, और जो सम होगा वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। जो आपका डब्ल्यू प्लस जेड पर आपने किया, जो सम किया आपने, वही आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई क्लियर तो मैं यहाँ पे जब कैरी को जीरो लूंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे पहले अंकित सर को यहाँ थोड़ा साइड में करना होगा, अंकित सर इधर आ जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है क्या, एक बार सबको कंफर्म करो जरा, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म कर दो ना, मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, अगर मान लो कैरी आपका आ गया भाई जीरो, आपने W माइनस जेड निकालना था, उसके लिए आपने क्या किया, W प्लस माइनस ऑफ जेड निकाला, माइनस जेड मतलब 16 कॉम्प्लीमेंट निकाला, है ना, मतलब W प्लस जेड बार निकाला, जेड बार क्या है, जेड का 16 कॉम्प्लीमेंट, जब इसका सम करोगे तो एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की कैरी पे फोकस करना, कैरी वन तो ये काम करोगे। अगर कैरी जीरो हो गया, कैरी वन पे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन कैरी जीरो पे टेंशन है, कैरी जीरो पे टेंशन किया है कि उसका नंबर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर कैरी जीरो आई मतलब नंबर क्या आपका, निगेटिव, है ना, इसका मतलब जो सम यहाँ पे आया, जो नंबर यहाँ पे क्या, निगेटिव, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव, ये नंबर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर नंबर निगेटिव है, अगर आपका नंबर यहाँ पे निगेटिव तो क्या करोगे भाई आप लोग, अगर आपके पास नंबर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो क्या करते हो आप, उसको निगेटिव नंबर पता करने के लिए क्या करते हो आप, वहां पे उसका नंबर का जो भी सम आया है उसका आप क्या निकालते हो, 16th कॉम्प्लीमेंट निकालते हो। फिर क्या करोगे यहाँ पे, आप क्या करोगे यहाँ पे, उस नंबर को पता करने के लिए, है ना, जो आपका रिजल्ट पता करने के लिए, रिजल्ट पता करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, उस रिजल्ट को पता करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे,
जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा देखना आप लोग, दैट रिजल्ट विल बी, आपका जो रिजल्ट होगा रिजल्ट विल बी माइनस से लगाना, माइनस माइनस लगाया अपने क्योंकि नंबर नेगेटिव है, माइनस ऑफ 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका, 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट जो नंबर आएगा है ना, W प्लस जेड बार जो आपका आंसर आया होगा उसको क्या निकालना होगा यहाँ पे 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। समझ में आया, एक बार इसको अच्छे देख लो, W प्लस जेड बार कैरी बनाया नो टेंशन पूरा ओके काम, लेकिन जीरो आ गई तो क्या करना होगा, जीरो देख से क्या करना, जो रिजल्ट आया जो इसका आंसर आया होगा उसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या यहां तक बात आपको क्लियर है? क्या आपका ये कैरी जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है यहां तक? कंफर्म करिए यार, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो अब क्या करना है अपन को, है ना, अपने थ्योरी तो पढ़ ली, जो जो काम होता है पढ़ लिया, तो अपन क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो ही चीजें तो है अपनी लाइफ में, है ना, अपनी लाइफ में दो ही चीजें तो है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मैं अपने विलेज एरिया पे हूं, है ना, और विलेज एरिया पे यहाँ पे एसी नहीं है, है ना, और मुझे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होती है एसी, क्योंकि गर्मी में सहन नहीं कर पाता हूं। सुमित हाँ निकालना पड़ेगा, दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ना, दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, क्वेश्चन से आपके सामने आ जाएगा ना। ठीक है, तो गर्मी बड़ी दिक्कत है ना, गर्मी की बड़ी दिक्कत रहती है मेरे यहाँ, अभी मेरा जो सेटअप है पूरा का पूरा ऊपर वाले रूम पे है, तो गर्मी तो सच में होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं आज तक आप लोग की कभी क्लासेस जो थी इवनिंग पे शेड्यूल नहीं करता था, है ना, जो भी क्लासेस थी वो मॉर्निंग में करता था कि जिससे मुझे गर्मी की दिक्कत ना जाए। लेकिन अब हो क्या गया है, रीजन ये है, मैं बता दूं क्लियरली, है ना, आप उसे क्या शर्माना, आप उसे क्या शर्माना, नींद पूरी नहीं हो पाती यार, है ना, सुबह अपन ने 6 AM पे जो क्लास रखी थी, ठीक है ना, अपन ने 6 AM पे जो क्लास रखी थी ना, उस 6 AM से क्या हो गया, प्रदीप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या बेटा, देखते हैं यार, प्रदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं, गुड इवनिंग, हाँ प्रदीप बोलो बेटा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, सर मैं ये बोल रहा था सर, डिजिटल में किया था तो उसमें 0 को पॉजिटिव ले रहे थे और 1 को निगेटिव ले रहे थे। नहीं नहीं बेटा, ये अलग चीज है, ये हेक्साडेसिमल है। अच्छा, ये हेक्साडेसिमल है, आपको बिल्कुल सही बताया मैंने, ठीक है, ये बाइनरी का अलग चीज है, बाइनरी बिल्कुल सही बताया था मैंने वहां पे, ओके सही है, इनका जो डाउट था बिल्कुल सही था कि सर वो आपने जो बताया था बाइनरी में कि 1 को निगेटिव रहते थे 0 को पॉजिटिव रहते, वो आपका बाइनरी का 2 कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन यहाँ पर 16 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे चीजें अलग है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिए गए 87, ये आपका यहाँ पे H लिखा है, H1 समझ गया ना बेटा क्या है, H1 मतलब आपके पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है, माइनस, तो मैं अलग मैसेज देता हूँ भाई, जिसे आप लोग घबराओ ना, कुछ लोग घबरा जाते हैं ना, इसे बार बार बोलता हूँ भाई, ऐसा है, माइनस करना आपको 32H, कैसे करोगे? एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैं बता दूं क्या, पहला क्वेश्चन मैं बता दूं क्या, बताओ जैसा भी लोग, पहला क्वेश्चन है अंकित सर आप बता दो यार, ठीक है, तो अगर आपको ये परफॉर्म करना है ना, अगर ये परफॉर्म कर तो क्या करोगे आप, इसको दो मिनट के लिए W मान लो, ये आपका जेड हो गया, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस 32 का निकालना होगा 16th कॉम्प्लीमेंट। अगर आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो क्या करना होगा, पहले आपको इस 32H का निकालना होगा 16th कॉम्प्लीमेंट, निकाले तो साइड में ही देखेंगे, ये देखना निकाले बात में 32, ये इसको करना 16 से माइनस, इसको करना आपको F से माइनस, अपन तो प्रो होगा इसमें, है ना, प्रो में, तो कर लेंगे अपन, यहाँ पे देखना कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 14, 14 मतलब E, तो आपस यहाँ पे E आ जाएगा, F माइनस 3, F होता 15, 15 में से 3 गए तो 12, 12 मतलब हो जाएगा C, तो ये आपने निकाला इसका 16 कॉम्प्लीमेंट,
आई थिंक ये बात तो क्लियर हो गई है सभी को अभी के अभी। ये आपने यहां पे बॉक्स में अंदर रख लिया कि भाई इस 32s का आपने 16th कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ये क्या निकाला आपने यहां पे 32 का आपने क्या निकाला यहां पे आपने निकाला यहां पे क्या 32s का 16th कॉम्प्लीमेंट। ठीक ये आपने निकाल लिया। अब क्या करना आपको उसको 87 से ऐड करना। क्या करना आपको अब इसको 87 से ऐड करना। कर दो भाई कर देते हैं रख पर दिक्कत थोड़ी ना है। एडिशन करते हैं 87 में ऐड करना किसका CE का। CE यहां पे क्या है भाई कोई पूछेगा CE क्या है तो क्या बोलोगे यहां पे CE इज द दिस इज द 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 32। जैसा अपने प्रोसेस बताया वही काम अपन कर रहे हैं कुछ नया काम नहीं कर रहे। ठीक है तो CE यहां पे क्या बताइए ये आपका 16th कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ये आपका 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 32H। ठीक आपको दोनों क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। जब ऐड करोगे बेटे तो क्या जाएगा आंसर बताओ जरा सभी लोग। अगर आप ऐड करोगे ई में 7 ऐड किया ई मतलब क्या होता है आपका 14 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 7 हो जाएगा 21 21 आया है मतलब 16 से ज्यादा है। जब 16 से ज्यादा क्या करते हैं यहाँ पे उसको 16 माइनस कर 1 करोगे तो 21 माइनस 16 5 हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा ये। ठीक है ना ये 5 आ जाएगा और आपकी कैरी यहां पे आ जाएगी 1 है ना। अब देखो C का मतलब क्या होता है A का मतलब होता है 10 B का मतलब होता है 11 C का होता है 12 है और A आपके पास यहां पे 8 है 12 प्लस 8 20 और 21। जब 21 यहां पे आया तो क्या करोगे भाई 21 को अगेन 16 से माइनस करोगे तो 5 आएगा तो 5 यहां पे लिख दिया आपने और जब कैरी यहां पे 1 आ जाएगा अल्टीमेटली जो आपके पास यहाँ पे कैरी आई वो कितनी सभी लोग बताओ आपकी कैरी 1 है कि 0 बताओ सभी लोग। आपकी जो कैरी है वो कितनी है भाई आपकी जो कैरी है बेटा वो 1 है। दैट मींस जो आपके पास 55H है वही आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो कितना होगा 55H होगा। देखिए यहाँ पे मैं सिंस कैरी इज 1 क्योंकि आपकी कैरी यहां पे क्या है इट्स 1 हम बोल रहे हैं आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा योर आंसर विल बी 55H। ठीक है भाई क्या मैं ये समझ सकता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई है अच्छे से लेकिन अभी समय में नहीं है जब तक कैरी जीरो नहीं आएगा ना। जब तक एक कैरी वाला जीरो वाला क्वेश्चन नहीं कर लोगे तो आपको समय में नहीं आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेंगे अपन। अगर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो तो कंफर्म करो मुझे। अगर सभी को क्वेश्चन क्लियर हो तो एक बार यहाँ पे कंफर्म करो मुझे सभी लोग यार। सभी लोग कंफर्म करो अगर ये चीज यहां तक क्लियर हो तो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मैं और जैसे रावण सर हैं है ना हम लोगों ने जो ये चीज स्टार्ट करी है अमर ज्योति प्राइम ये इसलिए स्टार्ट नहीं कि हम इसमें दिन करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है ये आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर इतना ज्यादा कंटेंट इतना डेप्थ में इतने कम कॉस्ट पे आप प्रोवाइड करो तो इससे करोड़पति बनने को तो नहीं कर रहे हो। ठीक है हम लोग इससे बिल्कुल नहीं करेंगे इससे पैसे कमाएं। हम इससे जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ इसी में लग जा रहा है। मतलब जैसे कि आपका लाइव क्लास हो गया ठीक है लाइव क्लास में कुछ पे भी करना होता होता है ना बहुत सारी चीजें होती हैं ऐप के लिए वो आपको पता नहीं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग का जो पर्पज है मेरा और अभय सर का यहाँ पे सिर्फ ना पैसा लगे हम लोग का ना हमको पैसे कमाने हैं। ठीक है हम लोग का एम ये है हम लोग को पैसा कमाने के लिए हम लोग कहीं और वर्क कर रहे हैं। ठीक है पैसा कमाने के लिए मेरे पास बहुत सारे और भी फ्रीलांसिंग के लिए बैठा हूं मैं तो मैं बाकी जगह भी क्लासेस लेता हूं है ना और वहां पे मैं मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिलता है मैं पैसे वहां पे वर्क करके आ जाता हूं है ना। लेकिन ये मेरा खुद का वर्क ये खुद का मेरा प्रोफाइल है जो यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूं मेरा खुद का है। तो आप लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइए कि सर आप लोग उधर पढ़ा रहे हो तो इधर कैसे करोगे। ये मेरा प्राइमरी है बाकी सब चीजें मेरी सेकेंडरी है ना। तो आई थिंक आप लोग ये समझ पा रहे होगे बेटा इसका आप लोग निगेटिव इमेज नहीं बनाओगे क्योंकि
हम लोग अगर सब कुछ छोड़ के इसी में लग जाते तो फिर हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव होता। प्रदीप बोला रिपीट करने के, रिपीट करता हूं बेटा, दो मिनट वेट करना, दो मिनट वेट करना बेटा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? आप लोग को उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि सर आप उधर पे क्लासेस ले रहे हो तो हमारी क्लासेस का क्या होगा, ठीक है? ये जो क्लासेस हैं वो इतना अच्छा कंटेंट में देने जा रहा हूं है ना, क्योंकि बाकी जगह मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये रियलिटी है। रियलिटी मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं अगर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, गया भी हूं और करता भी हूं है ना, तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको ये सब्जेक्ट इतना करना है, आपको ये सब्जेक्ट इतना करना है। फिर वहां पे बॉन्डिंग नहीं बन पाती स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच की, ठीक है? तो यहां पे वो चीज नहीं रहेगी, ठीक है? आई थिंक आपको समझने चाह रहा हूं तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो आ जाओ। हाँ, यहां पे प्रदीप बोले रिपीट। देखो प्रदीप, आपने आज की सिर्फ 5 मिनट क्लास स्किप करी है, सोचो आज की सिर्फ आप 5 मिनट लेट हुए हो, आपको पूरी क्लास में दिक्कत जा रही, क्योंकि क्योंकि सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे 87S नंबर था यहाँ पे और 32S था, आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि आपको जब सब्ट्रैक्शन पूछा तब करते हो एडिशन ही, मतलब आपको क्या करना है 87H प्लस 32H का 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब 16 कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपने जो साइड में निकाला मैंने यहाँ पे 32H का 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया मैंने, उसका आंसर है CE। फिर मैंने उसको 87 से एड कर दिया, उसको मैंने 87 से एड कर दिया, कितना आएगा 155, ठीक है ना? अब यहाँ पे 1 carry 1 आ गया। जब कैरी वन आएगा तो आप ये मानना कि जो आपका नंबर पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आपके पास 55H हो जाएगा। आपको कैरी को सिर्फ डिस्कार्ड कर देना, तो कैरी को छोड़ देना, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे कैरी आपका जीरो आता तो जो भी आपका आंसर होगा उसको क्या निकालना पड़ेगा, 16 कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालना होगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं। प्रदीप एक काम और करना, आज की जो क्लासेस को एक बार और देखना, आज की जो क्लास है इसको एक बार और रिकॉर्डिंग देखना है ना, वो स्टार्टिंग जो 10 मिनट है ना वो चीजें बस आपको मिस हो गई है ना, स्टार्टिंग चीजें आपको मिस हो गई है, ऐसे एडिशन वाला पार्ट मिस हो गया है जो मैंने एडिशन बताया था, रिकॉर्डिंग देख लेना हो जाएगा, ठीक है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बोला गया यहां पे क्या, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अगर आपको बोला जाए यहां पे, थोड़ा उल्टा कर देता हूं मैं, कैसे कर देता हूं देखना आप लोग। आपको बोला गया यहां पे क्या, 32H माइनस 87H। अब इसको परफॉर्म करके देखो आंसर क्या आएगा, है ना? आई थिंक आपको समझ में आगे नंबर नेगेटिव आएगा कि भाई आपने इसको उल्टा किया, यहाँ पे क्या था 87 माइनस 32 था, यहाँ पे उल्टा कर दिया 82 माइनस 37, तो आपका नंबर नेगेटिव तो आएगा ही, कैरी जीरो आना पड़ेगा भाई, है ना? इसमें कैरी जीरो आपकी आएगी आएगी। चलो करो इसको परफॉर्म, सभी लोग आप सभी लोग इसको परफॉर्म करो, खुद से करो पहले, खुद से करो, नहीं होगा तो मैं तो बैठा हूं, फिर पहले खुद से करिए, नहीं होगा तो फिर मैं बैठा हूं, मैं करूंगा सर। दोपहर में आप लोग की क्लास रख सकते हैं क्या कभी किसी दिन? नहीं रख सकते ना, दोपहर में कभी कभी क्लास रख सकते हैं क्या? सैटरडे संडे, सुमित बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये प्लान करके चल रहे हैं मैं और रावण सर कि मैं 2 सेट लेके चलूं और रावण सर भी 2 सेट लेके चलें, तो आपका एक दिन पे 4 सेट चले, मतलब कुल मिला के आपके 2 से 2.5 महीने में 7 सेटों का वर्क कराते चले, ठीक है ना? और थोड़ा सी चीज आप लोग अगर हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो यार, आप लोग अगर थोड़ा बहुत हम लोग की हेल्प करना चाह रहे हो तो, क्योंकि हम लोग के पास इतना फंड नहीं कि हम इसकी मार्केट में खर्च करें, ठीक है ना? तो आप लोग एक माउथ पॉलिसिटी होता है चीज होती है ना, क्या होती है यहाँ पे माउथ पॉलिसिटी, जिसपे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं यहां तक पहुंचा हूं, है ना? अगर मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊं, जब मैंने पहली बार टीचिंग स्टार्ट करी थी, सबसे पहले जब मैंने पहली बार टीचिंग स्टार्ट करी थी, उस टीचिंग स्टार्ट करने पे मैं जब मैं क्लास पे गया था पढ़ाने के लिए पहली बार, सबसे पहले उस दिन बच्चे क्लास के बाहर आ गए थे कि हमको इसे तो पढ़ना ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, ठीक है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जिस दिन मैं पहली बार क्लास में गया था बच्चे बाहर आ गए थे कि हमको इसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ पढ़ा रहा था, पढ़ नहीं रहा था, उस दिन मैं सिर्फ पढ़ा रहा था बच्चों को, पढ़ नहीं रहा था। फिर बातें बाद में रियलाइज हुई कि अगर बच्चों से बॉन्डिंग बनानी है, बच्चों को समझाना है, तो पढ़ाते टाइम पढ़ना भी जरूरी है। जैसे मैं अभी आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, मैं ये तो नहीं मैं पढ़ा रहा हूं,
मैं आपके साथ 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 में पढ़ रहा हूँ, मतलब आपको एक ये लगता है कि हम आपके दिमाग में उनकी तरह बैठ गए यहाँ पे, जो कि आपके दिमाग के साथ प्ले कर रहे हैं कि ऐसे चलना वैसे चलना वैसे चलना, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, मैंने इस चीज को थोड़ा सा अपना इंप्रूव किया कि पढ़ाते टाइम पढ़ना है ना, इसको मैंने इंप्रूव किया। तो फिर उसके बाद जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया वो बहुत बढ़िया था, और उसी ने मुझे बार बार जो माउथ पॉलिश की बच्चों की अंकित सर इज द बेस्ट, अंकित सर द बेस्ट, ऐसे जो चीजें आई है ना, उसके कारण फिर मैं बहुत ऊपर गया हूँ। मतलब मैं ये चीज मतलब अच्छे से जानता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ मैं कि जहां तक मैं पहुंचा उसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत है, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या कि हम लोग का खुद का प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग के लिए माउथ पॉलिसी बहुत मैटर करती है, तो आप लोग का सपोर्ट जो रहेगा तो वो होना चाहिए पूरा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो हम लोग भी बहुत ऊपर जाएंगे, और ये प्रूव करेंगे कि ऑनलाइन में भी स्टडी क्वालिटी वाइज हो सकती है, ठीक है ना। चलो किसी का आंसर आया क्या है इसका, बताना है किसी का आंसर आया हो तो। ए बी, ए बी आंसर आया, लेकिन कैरी जीरो आया होगा समय था ना उसका, कैरी जीरो आया हो तो क्या करोगे आप उसका 16th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, कैरी जीरो आई ना क्या करोगे, जो भी आपका ए बी आया है उसका क्या निकालोगे यहाँ पे 16th कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो -55 आंसर आया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है विद्युत, है ना विद्युत प्रभाव, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब तक मैं अंकित सर को साइड में रहता हूँ, अंकित सर साइड में आ जाओ। देखिए आपका यहाँ पे 32H-87 है यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या करना, सबसे पहले आपको करना 87 का क्या निकाल लो आप यहाँ पे, सबसे पहले 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे देखना आप लोग, या 87 इसको करना 16 से माइनस, करना आपको एफ से माइनस, कितना जाएगा यहाँ पे 16-7 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 9 आ गया, ठीक है, आपके पास 9 आ जाएगा यहाँ पे। F को 8 से माइनस करना है, F मतलब होता है 15 को 8 से माइनस किया तो आ जाएगा 7, तो ये आपका जाएगा 79, ये आपका जाएगा यहाँ पे 79, ये आपका यहाँ पे 79 क्या पाई आपका 17 आपका 87 का 16 कॉम्प्लीमेंट है। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड करना है किसको, 32 को ऐड करना है बेटा आपको, 32 में आपको ऐड करना है बेटा, क्या ऐड करना है 32 में आपको करना है क्या 79, ठीक है। अब जिनको आप ऐड करोगे यहाँ पे दोनों के एच एच में है भाई, है ना, याद रखना है डेसिमल नहीं भाई, यह डेसिमल में है, 9+2 11 हो जाएगा, 11 मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पे 9+2 क्या होगा 11 होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या बी, तो आपका जाएगा यहाँ पे क्या बी, इट विल बी योर बी, है ना। और 3+7+3 कितना 10 होगा, जिसको हम बोलते हैं ए। अब यहाँ पे कैरी कितनी आएगी खुद देख लो आप, यहाँ पे कैरी है जीरो, कैरी जीरो मतलब काम बढ़ गया, कैरी जीरो आना मतलब काम बढ़ गया भाई, कैरी क्या आई आपके पास यहाँ पे जीरो आई, मतलब सर आपने काम तो बढ़ा दिया यहाँ पे, कैरी जीरो आने मतलब यहाँ पे काम बढ़ गया, क्या काम बढ़ गया देखना आप लोग। अब आपको क्या करना होगा, जो आपका रिजल्ट होगा इट विल बी योर माइनस होगा निगेटिव, क्योंकि कैरी का जीरो होना, कैरी का जीरो नंबर निगेटिव है, आपका रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा, माइनस लगाना साइन में, फिर जो भी आपका रिजल्ट आया है ए बी आया है उसका आप 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, तो क्या आपको देखना आप लोग, आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे माइनस साइन लगाया आपने और ए बी का निकाला 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, देखना आपको यहाँ पे साइड में, यहाँ पे मैं साइड में ए बी का 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल देती हूँ, कैसे ए बी लिखा मैंने यहाँ पे, इसको मैंने 16 से माइनस किया, इसको मैंने एफ से माइनस किया, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 16-B कितना हो जाएगा यार 16-B हो जाएगा, बी मतलब होता है 11 तो हो जाएगा 5, एफ को होता कितना है आपके पास F होता था 15, 15-10 कितना जाएगा 5, तो आपका जो आंसर जाएगा कितना जाएगा -55। देखो वही चीज आई कि नहीं आई, आपने चीजें चेंज क्या कर दी, 32-87 कर दिया, आपका कितने तक कितना जाएगा -55 एच आ गया, क्लियर है चीज, अब सब लोग कंफर्म करो जरा, अगर सब कोई चीज क्लियर होते कंफर्म करो मुझे, है ना। इतना ही बेटा आपके पास है पूरा जो कि प्रोग्रामिंग में यूज होगा, बाकी तो फिर आपके पास माइक्रो की चीजें होंगी, बाकी जो भी चीजें होंगी वो माइक्रो की चीजें होंगी, डिजिटल की बस इतनी चीजें हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में और दू होमवर्क के लिए तो आप उसको कर लोगे क्या, होमवर्क नहीं अभी करो उसको ना, आप लोग उसको अभी करो,
होमवर्क की चीज तो अलग हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप लोग उसको और करके मुझे बता दो, अगर वो आप सेशन बता दोगे मैं समझ जाऊंगा भाई चीजें आपको चीजें क्लियर हो रही है। एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा मैं, उस क्वेश्चन को देख लो तो आपकी बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास दिया गया यहां पे क्या नंबर दिया यहां पे क्या 3F माइनस AC, ये आपको यहां पे परफॉर्म करना है, आपको ये चीज यहां पे परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो पहले आपको 5 मिनट का टाइम ले लो और बिल्कुल सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर, है ना, करेक्ट आंसर बताना पूरा का पूरा। थ्री एफ माइनस ए सी इसको सॉल्व करने पे सिक्स सी आ रहा है पंकज का आंसर माइनस सिक्स सी, लेट मी चेक आपका आंसर सही है गलत है, थोड़ा गड़बड़ किया है आप लोगों ने यार थोड़ा, लेकिन आप दोनों ने माइनस सिक्स सी बोला मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि आपका जो आंसर बेटा वो माइनस सिक्स डी है, दोनों ने माइनस सिक्स सी बोला है तो अब मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर गलत है आपका आंसर गलत है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर बेटा क्या माइनस सिक्स डी है, एक बार आपको भी वेरीफाई कर लो क्या होगा, एक बार आपको भी वेरीफाई कर लो कि आंसर क्या होगा। माइनस सिक्स डी होगा क्या, विद्युत प्रवाह का माइनस सिक्स डी आ रहा है, पंकज और सुमिता एक बार और कंफर्म कर लो यार, क्योंकि तो यहां पे जो मुझे आंसर दिया ऑप्शन है माइनस सिक्स डी है ना कि माइनस सिक्स सी, सुमित और पंकज एक बार छठी होगा, चलो ओके फिर मैं आपको सॉल्व दिखाता हूँ ना क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एसी का निकालना होगा 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूँ, देखना आप लोग यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे एसी का 16 कॉम्प्लीमेंट निकालू कैसे, इसको आप 16 से माइनस करोगे, इसको आप माइनस करोगे एफ से, ये तो बच्चे बच्चे को पता चल गया था अपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे वैसे भी, तो ये क्या हो जाएगा देखना 16 माइनस सी, सी मतलब बता पाते यहाँ पे क्या, बी होता है आपका 11 और सी होता है 12, तो 16 माइनस सी होता है पास यहाँ पे 4, क्या आ जाएगा पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और एफ मत होता 15 में से 10 गए कितना हो जाएगा 5, तो ये आप पास आएगा यहाँ पे 54, ये आप पास यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है ओके, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, अब आपको इसको 3F में ऐड करना होगा, कर देते हैं अपने यहां पर देखना, अब अपन इसको 3F में ऐड करते हैं, 3F में आपको ऐड करना है, 3F में ऐड करना क्या करना पड़ेगा 54, 3F में आप ऐड करिए यहां पे 54 क्या हो जाएगा देखना, जब आप 3F पे 54 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, F मतलब क्या होता है आपका यहां पे, F मतलब क्या होता है बिल्कुल बताओ, F का मतलब होता है आपका यहां पे क्या 15, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, 16 से ज्यादा है तो 19 माइनस 16 का कितना 3 आएगा यहां पे, कितना आएगा पास यहां पे 3, ठीक है 3 आ जाएगा, 5 प्लस 3 कितना होता है पास यहां पे 8 और यहां पे कॉमन आ गया कॉमन, ठीक है तो आपको पता है यहां पे क्या 9, ये 93 है,
कैरी क्या है सर? सर कैरी हो गए जीरो, काम बढ़ गया। कैरी देखा अपन ने, कैरी हो गए जीरो, काम बढ़ गया। इनके सर क्या करवा दिया आपने? काम तो बढ़ गया, मतलब जो आंसर होगा निगेटिव होगा। यहाँ पे कैरी क्या है? जीरो, मतलब काम बढ़ गया। पता हमारा जो नंबर होगा क्या होगा? निगेटिव होगा। और जो नंबर होगा वो क्या होगा बताता आपको, जो आपका नंबर होगा जो उसका आंसर होगा क्या होगा? माइनस ऑफ 93H का 16 कॉम्प्लीमेंट। आपका आंसर क्या होगा? यही होगा ना, माइनस ऑफ 93 का 16 कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करो यहाँ पे 93H का क्या निकालो? 16 कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखना यहाँ पे लिखा मैं 93, अब क्या करो 16 कॉम्प्लीमेंट, क्या करोगे आप यहाँ पे? इसको 16 से माइनस करोगे, इसको एफ से माइनस करोगे। अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 16 माइनस 3 13। अब यहां पे आपने गड़बड़ कर दी होगी, यहां पे आपने गड़बड़ की होगी, क्योंकि ये होता है आपका क्या 13, मतलब होगा डी, आपने मान लिया होगा सी, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसको याद तो रखना होगा। ये होगा डी और हो जाएगा एफ प्लस 9। कितना हो जाएगा पास यहाँ पे? एफ मतलब होता क्या पास यहाँ पे? एफ का जो मतलब होता क्या होता पास यहाँ पे, सभी बताओ। सॉरी, इसे माइनस करना यार। एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब 16 में से 9 गए तो हो जाएगा क्या 7, 16 में से, सॉरी 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 6D। तब मैं भी कंफ्यूज होता कभी कभी, आपका जाएगा आंसर माइनस 6DH। आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस 6DH होगा। आप लोग कभी यही आंसर आया था ना, क्या एक बार चेक कर लेता हूं मैं, माइनस 6D होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्या बार कंफर्म कर दो, ठीक है ना। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आप लोग परफेक्ट हो इसको पढ़ने के लिए, माइक्रोप्रोसेसर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अपने काम करते जो आज की क्लास है, सभी लोग एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया अभी तक, जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, सभी लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अपन कल से इसी टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। टाइमिंग में कुछ और चेंजेस करने हैं कि अपन बता दो, अगर करना हो तो क्या टाइमिंग 6:30 से कर लें? क्या ये टाइमिंग अपन 6:30 से कर लें क्या? कि 7 o'clock सही है, ठीक है। ओके, अपना टाइमिंग 7 PM फिक्स होता है, ठीक है ना। आज से अपन क्लासेस इसी टाइम पे रखेंगे, जब तक कि आपका माइक्रोवेव चल रहा है। सर पीडीएफ शेयर करते ना, बिल्कुल पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ओनली 5 मिनट्स में आपको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज आप लोग सभी लोग का ध्यान देना है, माउथ पब्लिसिटी है ना, आप लोग को सपोर्ट करना है सभी लोगों को, क्योंकि मैं कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा हूं ना, मैं मार्केटिंग पे कुछ ही फोकस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेरा टास्क क्या है पढ़ाना, और पढ़ाने पे ही मेरे पास दिमाग है भाई, पढ़ाने के लिए टाइम है। मैनेजमेंट में बहुत वीक हूं मैं, है ना। मैनेजमेंट इतना अच्छा है मेरा कि भोपाल पे मेरे कपड़े 2-2 महीने धुलते नहीं है, इतना अच्छा मेरा मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसका मैं नहीं देख पाऊंगा ज्यादा टाइम पे, आपको ही इसका माउथ पॉलिसिटी अपने से करना होगा, ठीक है। चलिए मिलते अपन नेक्स्ट क्लास पे, जो कि आपकी कल होगी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे।